अर्थात आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर का जो नाउन के पहले इसका यूज होता है और ये शो करता है कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक विशेष है या एक जनरल है हाँ आर्टिकल्स आर टू टाइप्स इंडेफिनेट एंड डेफिनेट इंडेफिनेट्स टू पार्ट्स ए और एन एंड डेफिनेट आर्टिकल द आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं इनडेफिनेट और डेफिनेट इंडेफिनेट के अंदर ए और एन है और डेफिनेट के अंदर आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउंस अब आर्टिकल्स का प्रयोग सबसे पहले हमें नाउंस के पहले प्रयोग करते हैं कि नाउन को बताने के लिए कि स्पेशल है या जनरल वे के अंदर इसका यूज हुआ है यूज ऑफ द इंडेफिनेट आर्टिकल अब इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर दो है A और एन ए होता है ये शॉर्ट वीकेंड फॉर्म होती है वन की तो ए और एन नेक्स्ट देखते आगे ए का यूज कहाँ होगा, का का होगा? और एन का यूज कहाँ होगा आर्टिकल ए और एन इज द शॉर्ट और वीकेंड फॉर्म ऑफ वन वन अर्थात आर्टिकल ए और एन है जो एक के स्थान पर एक का शॉर्ट और वीकेंड फॉर्म है जिसका उपयोग किया जाता है जैसे कहीं लिखना होगा एक तो वहां पर ए और एन का प्रयोग करेंगे एंड इज यूज बिफोर ए काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल का मतलब जिसको गिन सकते हैं सिंगुलर या नहीं एक वचन ऐसे गिनने वाले जो नाउन्स होती हैं उनके पहले यूज होता है विच इज नॉट डेफिनेट और जो डेफिनेट नहीं है उनके पहले इनडेफिनेट आर्टिकल अर्थात ए और एन का यूज होगा और पर्टिकुलर और प्रॉपर जो विशेष हो और उचित हो उन्हीं के पहले इनका प्रयोग हो पाएगा एग्जाम्पल दे रखा है जैसे ए बॉय बॉय एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले हमें ए का यूज किया है इंडेफिनेट आर्टिकल का एग्जाम्पल है इसी तरह एलिफेंट ये भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले हमने किसका यूज किया है N का 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 देखिए आगे अब दोनों में होता का का होता है है प्रयोग ऐसे के पहले होता है, जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है देखिए लेटर हमारा कॉन्सोनेंट हो सकता है वोवल हो सकता है लेकिन जो साउंड होगी वो होना जरूरी है और ए हाँ ए वर्ड विंट हो हो like लेकिन उसकी जो ध्वनि है वो किसके समान होनी चाहिए कॉन्सोनेंट के अनुसार होनी चाहिए जब कॉन्सोनेट ध्वनि होगी तभी हम आर्टिकल ए का कर यूज करेंगे देखिए जो लेटर है वो वोवल हो सकता है कॉन्सोनेंट हो सकता है लेकिन ध्वनि जो साउंड बनेगी वो कॉन्सनेंट होगा तभी हमें ए का प्रयोग करना है सम एग्जांपल्स आर हियर दैट इज मैन अब इसका फर्स्ट लेटर एम है ये इसका लेटर भी कॉन्सोनेंट है और इसकी साउंड भी एम मैं ये भी क्या है कॉन्सोनेंट है तब इसके पहले हमें ए का प्रयोग करना है इसी तरह चय चय में भी बोलने में और लिखने में दोनों में जो लेटर की ध्वनि आ रही है वो कॉन्सोनेंट है तो इसमें भी ए का यूज करेंगे इसी प्रकार बॉय बॉय में भी ए एक आएगा प्रयोग इसके पहले भी और इसी तरह रेंडियर इसके पहले भी एक का यूज होगा और वुमन वुमन के पहले वे ये भी ध्वनि है जो व्यंजन की है तो इसके पहले भी किसका प्रयोग करेंगे ए का नेक्स्ट देखिए यार्ड यार्ड यानी बाड़ा तो इसमें वाई का उच्चारण यह आ रहा है तो इसमें भी ए का यूज होगा इसी तरह हॉर्स हॉर्स में भी ए का यूज होगा हॉल ये भी व्यंजन की ध्वनि है अब देखिए जो लेटर यूनिवर्सिटी का यू आ रहा है दिखने में ये वोबल लग रहा है लेकिन इसका उच्चारण हो जा इस तरह हो रहा है वाई यू अर्थात यू इसमें ध्वनि व्यंजन की है तो यूनिवर्सिटी में का यूज करेंगे इसी तरह यूनियन इसके में भी वाई यू यूनियन की ध्वनि आ रही है तो यहां भी का यूज करेंगे नेक्स्ट यूरोपियन भले लेटर ही स्वर हो लेकिन इसकी ध्वनि यू आ रही है तो इसके पहले भी किसका प्रयोग करेंगे का नेक्स्ट यू इसका उच्चारण यू होता है यू, यू यानी भेड तो इसके पहले भी ए का उच्चारण होगा हाँ देखो यूनिकॉर्न इसका मतलब होता है गेंडा और इसका उच्चारण यूनिकॉर्न ये रेंडियर होता है हिरण और इसके पहले भी ए का उच्चारण होगा और यूजफुल आर्टिकल और यूजफुल तो इसमें भी उच्चारण यू है तो इसका अर्थ है ए का यूज पर करेंगे नेक्स्ट है वन मैन तो फर्स्ट लेटर देखिए ये ओ है दिखने में स्वर लग रहा है लेकिन इसका उच्चारण वन बन रहा हुआ है तो ये व्यंजन है तो ए का प्रयोग करेंगे नेक्स्ट होटेल देखिए ये होटेल शब्द है इसका उच्चारण ए भी होता है और कुछ बुक्स में होटेल भी वर्ड दे रखा है तो वहां पर एन का प्रयोग भी दिया हुआ है तो मोस्टली जब जनरली ये ए का यूज होता है इसके साथ में तो एज ए हिस्टोरिकल नॉवल तो यहाँ भी अगर ए यूज करते हैं वर्तमान तरीके में लेकिन कुछ बुक्स में है जिसमें भी एन हिस्टोरिकल नॉवेल इस प्रकार एन का यूज भी दे रखा है और इसी तरह यूनिट यूनिट में भी ऊंचाई यू आ रहा है तो एक का प्रयोग करेंगे इसी तरह है यूनक इसमें यूनक उच्चारण बन रहा है। तो इसके पहले भी एक का प्रयोग करेंगे यूनक यानी ट्रांसजेंडर नेक्स्ट देखिए तो इसमें सबसे इसका जरूर रूल्स क्या है कि जो हमारा जो वर्ड है नाउन का वर्ड उसकी शुरुआत चाहे बोले कॉन्सोनेंट से हो वोवल से हो लेकिन उसकी ध्वनि कैसी होनी चाहिए ध्वनि है जो कॉन्सोनेंट होनी चाहिए व्यंजन ध्वनि से ही शुरू होने वाले जो लेटर होंगे उनमें हमें ए का प्रयोग करना है नेक्स्ट देखते हैं एन में आर्टिकल एन एन इज यूज बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स एन का यूज है जो काउंटेबल जो गणनीय है जिनकी गणना कर सकते हैं और सिंगुलर नाउन्स के पहले इसका यूज होगा

ए बन रही है तो इसके पहले एन का यूज करेंगे इसी तरह जिसे शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है एस डी ओ जिसको इस प्रकार लिखेंगे तो इसका जो फर्स्ट लेटर द्वैनी का बन रहा है वो है वो ए पहले एन का यूज करेंगे इसी तरह एम पी में भी ये व्यंजन है इस लेकिन उसकी द्वैनी एम में स्वर आ रही है इसके पहले भी किसका प्रयोग करेंगे एन का नेक्स्ट ईगल इसका उच्चारण ई e से शुरू हो रहा है और लेटर भी स्वर है तो इसमें एन का यूज करेंगे नेक्स्ट देखिए एस एस का उच्चारण भी ए और लेटर भी ए तो एन का यूज होगा इसी तरह ऑरेंज ऑरेंज का ध्वनि ओ और लेटर भी ओ नेक्स्ट देखते हैं है। इसमें h साइलेंट होता है awe की ध्वनि उच्चारण होती है तो इसमें a की ध्वनि आ रही है तो n का उच्चारण होगा इसी तरह नेक्स्ट है honest man s इसमें साइलेंट होता है ध्वनि o से बनती है honest man तो इसमें n का प्रयोग करेंगे इसी तरह air इसमें भी h साइलेंट होता है ध्वनि आ रही है air एर, एर यानी उत्तराधिकारी तो यहां भी एन का यूज होगा इसी तरह ऑनरेबल पर्सन एस में भी एस साइलेंट है और, द्वैनी और से शुरू हो रहे हैं तो इसमें भी एन का प्रयोग करेंगे इसका सीधा सा रूल है कि शब्द कैसा ही लिखा हुआ हो उसकी ध्वनि कैसी होनी चाहिए वोवल में होनी चाहिए स्वर में ध्वनि होगी तो हमें किसका प्रयोग करना है एन का और जहां पर ध्वनि व्यंजन की बन रही है वहां पर ए का यूज करेंगे नेक्स्ट देखते हैं हाँ ए और एन अब कुछ विशेष प्रकार का यूज है इसका ए और एन का किस तरह जैसे इस प्रकार का फॉर्मूला दे रखा है ए और एन का यूज करने से पहले देखिए सबसे पहले ये काउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज होता है ए और एन का लेकिन उसके पहले अगर एडजेक्टिव दे रखा है एडवर्ब दे रखा है तो हमें क्या करना है जो नाउन से पहले एडजेक्टिव है या एडवर्ब है उनका जो फर्स्ट लेटर कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल ए और एन का यूज करना है इसमें है फर्स्ट जो ब्यूटीफुल वर्ड दे रखा है ये एडजेक्टिव है किसका नाउन गर्ल का तो इसका फर्स्ट लेटर है बी और इसकी ध्वनि भी बन रही है बी इसमें व्यंजन है तो इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे नेक्स्ट इसी तरह है ही इज ऑनेस्ट मैन तो यहाँ ये मैन है जो नाउन है और उसके पहले एडजेक्टिव क्या रखा है ऑनेस्ट तो ऑनेस्ट की ध्वनि देखी जाएगी ना कि इस मैन के तो ऑनेस्ट में व्यंजन नहीं स्वर ये जो लेटर है वो तो व्यंजन है इसकी लेकिन इसकी ध्वनि कौन सी आ रही है स्वर एन आ रही है तो एन का यूज प्रयोग करेंगे ध्वनि ओ से बन रहा है ऑनेस्ट से तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन तो देखिए इसी तरह मान लीजिए कोई लाइन में लिखा हुआ है ही इज वेरी ब्यूटिफुल बॉय अगर इस प्रकार की लाइन है तो देखिए ये नाउन है कौन सा बॉय लेकिन उसके पहले ये एडजेक्टिव दे रखा है और वेरी एडवर्ब देकर दे रखा है उसके पहले हमें यहां पर ब्लैंक भरनी है तो अब हमें नाउन से नहीं मतलब है इसके पहले जो आने वाले एडवर्ब या एडजेक्टिव है उसका फर्स्ट लेटर देखा जाएगा तो यहां ये वेरी वर्ड दे रखा है तो यहां ये व्यंजन है और ध्वनि भी कैसी है वे तो ये इसके आगे ए का यूज करेंगे नेक्स्ट देखते हैं ए और एन मोर देन वन वन नाउन अब देखिए इसमें अगर मान लो इस प्रकार का एग्जाम्पल दे रखा है ही गैव मी रेड एंड ब्लू पेंसिल तो यहाँ पर a, इस रेड और ब्लू और पेंसिल नाउन है और एडजेक्टिव क्या देर का है? अगर इसके पहले यहां है और हमें एक ही साइड में भरना है तो हमें आर्टिकल इसके अकॉर्डिंग भरेंगे अनुसार तो रेड ए भर दिया हमने अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ मी ए रेड एंड ब्लू पेंसिल उसने मुझे एक लाल और ब्लू पेंसिल दी अर्थात तो वो पेंसिल एक ही है और उसके कलर कितने हैं दो कौन कौन से कलर रेड और ब्लू कलर का अब उसी सेंटेंस को अगर दोबारा देखेंगे इसमें तो ही मी ए तो अब इसमें कौन सा आएगा आर्टिकल रेड के पहले द्वैनी कैसी व्यंजन है तो ए एंड अब ब्लू में बी द्वैनी है एक इसमें भी पहले ए तो ही मी ए रेड एंड ए ब्लू पेंसिल उसने मुझे एक रेड और ए ब्लू पेन अर्थात दो पेंसिल दिए कौन कौन से कलर की एक तो रेड की और दूसरे कलर कौन सा है ब्लू का और उस पहले वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है पेंसिल अर्थात एक ही है उसके कलर कितने हैं दो रेड और ब्लू अब दोनों तरफ अगर ए का यूज कर रखा है इसका अर्थात है कि दो चीजें हैं और यहां एक साइड में है अर्थात एक ही है उसके लिए जैसे एग्जांपल है आई मेट आई मैट में मिला प्रिंसिपल एंड टीचर अब इसके पहले ब्लैंक एक ही दे रखी है तो बताइए क्या, क्या, क्या बरेंगे इसमें अब इसका फर्स्ट लेटर पी है व्यंजन है तो ए अब इसमें लाइन का मतलब क्या हुआ है आई मैट ए प्रिंसिपल एंड टीचर मैं एक प्रिंसिपल और अध्यापक से मिला अर्थात एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल का काम भी कर रहा है और अध्यापक का रोल भी कर रहा है तो इस टाइप से ए और एन का प्रयोग था नेक्स्ट देखते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज यूज class एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लास क्लास का वर्ग या जाति के लिए अब ए और एन का प्रयोग कब करते हैं एक ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जो पूरी जाति को अपने पूरे वर्ग को अगर शो कर रहा है उसके लिए भी हमें ए का प्रयोग कर सकते हैं जैसे हॉर्स हो, है हॉर्स है इज घोड़े के पूंछ होती है घोड़े के पूंछ होती है तो ए हॉर्स इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे बाकी देखो रूल्स क्या है कि जो भी प्रॉपर नाउन है उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है लेकिन यहां ये पूरी क्लास को डिफाइन कर रहा है ए हॉर्स ए हॉर्स हैजे है टेल अर्थात ऑल हॉर्सेज एक घोड़ा उसके पूंछ है ये किसको इंडिकेट कर रहा है ऑल हॉर्सेज को मतलब ये इसके पहले अगर ए का यूज हो गया तो वो पूरी अपनी क्लास या क्लास को डिफाइन करेगा कि ये ए ऑल हॉर्सेज है टेल इसी तरह देखिए आगे एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल्स एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल तो यहाँ पहले ब्लैंक दे रखी है अब ये जो एलिफेंट है ये पूरी अपनी क्लास को पूरी हाथी वर्ग को ये डिफाइन करेगा तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे फर्स्ट लेटर देखना हमें स्वर या व्यंजन में से क्या है एन है तो एन का प्रयोग करेंगे n elephant is a huge animal तो इसका अर्थ क्या हुआ है all elephant is a huge animal कि सारे जानवर हो जो बड़े सारे जो हाथी हैं बड़े जानवर होते हैं ठीक है ना all elephant are huge animals ठीक है कि सारे जो हाथी हैं वो कैसे होते हैं बड़े जानवर होते हैं तो ये पूरे तो यहां इस प्रॉपर नाउन के साथ में किसका प्रयोग हुआ है a और n का अर्थात ये पूरी अपनी क्लास को डिफाइन कर रहा है पूरे वर्ग को बता रहा है नेक्स्ट देखते हैं बिफोर द द नेम ऑफ ऑफ ए फेमस पर्सन इन सेंस वन लाइक अब देखिए कोई ऐसा फेमस पर्सन है जिसके समान अगर दूसरे से कंपेरिजन की जाए उसको उसमें देखा जाए यहां मतलब दिस मैन इज ब्लैंक गांधी इस व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी है वो किसके समान है गांधी के समान जिस प्रकार गांधी जी के अंदर जो क्वालिटीज थी वो इस व्यक्ति के अंदर बताई जा रहा है तो देखिए जब इस प्रकार किसी व्यक्ति कंपैरिजन की जा रही है उस व्यक्ति का प्रतिबिंब किसी में दूसरे में देखा जा रहा है तब उसमें ए और एन का यूज करते हैं तो दिस मैन इज अब इस पहले वर्ड के अनुसार क्या आएगा ए तो दिस मैन इज ए गांधी अर्थात इस व्यक्ति के अंदर क्या जो कैरेक्टरिस्टिक है विशेषता है वो किसके समान है गांधी के समान ही इज ए मैन लाइक गांधी कि वो गांधी के समान है इसी तरह सी इज वह है सावित्री वह कैसी है सावित्री के समान सावित्री कौन हुई है सत्यवान की पत्नी सावित्री हुई है, जो एक के रूप में जानी जाती है उसकी विशेषता एक महिला के अंदर दिखाई दे रही है तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे ए और एन का अन्यथा किसी भी प्रॉपर नाउन के नाम के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है लेकिन जब कंपैरिजन आ जाए किसी में इस प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई दे तो वहां पर ए का यूज करेंगे she is a sabitri नेक्स्ट देखिए बिफोर दीज नाउंस ये कुछ फिक्स वर्ड होते हैं जिनके पहले हमेशा आर्टिकल्स का यूज होता है जैसे कॉल्ड अब इनमें हमें रूल्स वही है जो ध्वनि जहां से शुरू हो रही है वहां ए का प्रयोग करेंगे वोवल साउंड आ रहा है वहां पर n का तो व्यंजन ध्वनि है तो a headache में headache इसको उच्चारण करते हैं a and pen पैन में भी उचान पे और नॉइस ए नॉइस लाफ, लाफ टी इस प्रकार लिखे होते हैं टू के पीटी टे के पीटी इस तरह ठीक है ना ए और इन ए हरी सेंटेंस क्या होता है आई एम इन हरी मैं जल्दी में हूं तो इस टाइप से ए हरी नेक्स्ट नॉक नॉक में ए का प्रयोग करेंगे डजन डजन ए डजन एंड हाफ ए डजन आधी दर्जन ये डजन का मतलब दर्जन जो चीजें बारह होती है उसको डजन के नाम से जाना जाता है तो हाफ ए डजन यानी सिक्स नेक्स्ट है हंड्रेड तो ए हंड्रेड और लॉट ऑफ ए लॉट ऑफ और इसी तरह ग्रेट हा ग्रेट डीड ऑफ डील है डी ई एल है इसको डी को एल पढ़ेंगे ए ग्रेट डील ऑफ तो इसके पहले ए आएगा जैसे कभी एक वर्ड होता है लिटल इसकेटेंस तो ए ए इस एक्सक्लामेशन में होते हैं एक्सक्लामेशन का मतलब विस्मय कितना शानदार दृश्य है तो इस प्रकार व्हाट और उसके पश्चात ए और एन का आर्टिकल की यूज होगा फिर सिंगुलर होगा और काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा उस समय अगर यहाँ पर प्लोरल दे रखा है तो फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है लेकिन नाउन कैसा होना चाहिए सिंगुलर और काउंटेबल अगर अनकाउंटेबल भी है तो भी उसके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है तो अब देखिए व्हाट ए टेरिबल सीन कितना भयानक सीन है तो किसके पहला वर्ड व्यंजन है इसलिए ए का यूज किया है अब नेक्स्ट इजी लेसन अब लेसन के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल यूज करेंगे या इजी के अनुसार ईजी के अनुसार ये एडवर्ब है क्योंकि नाउन से पहले चाहे एडवर्ब हो या एडजेक्टिव हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वही हमें यूज लेना है तो वाट एन ईजी लेसन यहां तक क्लियर है नेक्स्ट देखते हैं आगे इन एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस रेशियो स्पीड फ्रीक्वेंसी अगर हमें प्राइस भाव व्यक्त करना है रेट क्या है रेशियो अनुपात देखना है स्पीड गति के अंदर इसको शो करना है फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती को बताना है तब उसके साथ भी किसका प्रयोग करते हैं आर्टिकल्स का अब देखिए ऑरेंज सेल एट फाइव रुपीज ब्लैंक किलो ऑरेंज बेची जाती है फाइव रूपीज कितने एक किलो एक किलो की जो रेट है वो फाइव रुपीज एक किलो ऑरेंज के भाव क्या है एक किलो के कितने रुपए फाइव रुपीज नेक्स्ट थ्राइस खा लीजिएगा ए वीक सप्ताह में तीन बार आई वेंट से वीक मैं वहां पर सप्ताह में तीन बार गया तो ए वीक का पहला वर्ड व्यंजन है ए का यूज करेंगे अगर वहां स्वर होता तो इसमें एन का प्रयोग भी कर दे, माई स्पीड इज सिक्स माइल अब आवर एस साइलेंट है उच्चारण आवर की आरी देखो लास्ट में जो आर होता है इसका उच्चारण नहीं होता है उससे पहले ही आवे तो ये एन आवर ठीक है अब है फॉर हंड्रेड रूपीज ए यार्ड कोई यहां पर एक दर है रेट है उसके अनुसार कह रहे हैं कि फोर हंड्रेड रुपीज ए यार्ड एक गज के भाव क्या है फोर हंड्रेड रुपीज यहां ये उच्चारण या बन रहा है तो इसके पहले ए का यूज होगा यहां तक क्लियर है नेक्स्ट देखते हैं और एन प्लस मिस्टर मिसेस मिस सरनेम अगर इस प्रकार देखिए कोई व्यक्ति जिसकी सरनाम से पहचान होती है तो उसका नाम हमें नहीं मालूम है और तब उस व्यक्ति के बारे में हमें बताना होता है तो किसका यूज करते हैं आर्टिकल ए और एन का यूज करता है मिस्टर देवड़ा इन द मॉर्निंग कि सुबह मिस्टर देवड़ा आए थे कौन आए थे ए मिस्टर देवड़ा क्योंकि फर्स्ट लेटर एम है हा एम आर इसको साथ पढ़ा जाएगा मिस्टर पढ़ा जाएगा केवल अगर एम आर पढ़ते इसको तब तो एन का प्रयोग करते हैं अन्यथा मिस्टर इसको मिस्टर पढ़ा जा रहा है तब व्यंजन की ध्वनि बन रही है तो ए मिस्टर देवड़ा कैम इन द मॉर्निंग क्योंकि इसके बारे में जान प्रॉपर नाम नहीं इसका मालूम हमें और उसको मिस्टर देवड़ा सरनाम के नाम से ही जान रहे हैं तब उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे ए और एन का इसी तरह है मिस सैनिक इज हाँ ब्लैंक रेगुलर विजिटर हियर तो यहाँ पर एक मिस सैनी है कोई नाम करके वो यहां पर रेगुलर आती है तो मिस और फिर यहां पर क्या प्रयोग करेंगे ए का यूज करेंगे क्योंकि रेगुलर कॉन्सोनेंट ध्वनि है और यहां भी कॉन्सोनेंट है इसलिए किसका प्रयोग हुआ है ए का अगर वोवल साउंड होती तो एन का प्रयोग करते देखिए आगे